मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द फन दे हैड, आनंद जो वे प्राप्त करते थे, चैप्टर अपना चल रहा था। इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने 7 या 8 स्टेंजा है वो कंप्लीट कर लिया था। 8वां स्टेंजा या 7वां स्टेंजा चल रहा था। अब देखो, इसमें ये जो किताबों के बारे में, स्कूलों के बारे में, प्राचीन समय का जो विद्यालय था उसका शीर्षक था और अभी जो था उसके शीर्षक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये 17 मई 1857 जो था उसके अंदर हम जब पहुंच जाएंगे तो एवरीथिंग डू इन कंप्यूटर, एवरीथिंग लर्न इन कंप्यूटर, लोग स्कूलों के बारे में, विद्यालयों के बारे में सब भूल जाते हैं। सब कुछ वो कंप्यूटर पे ही सीखते हैं। उनको ये भी पता नहीं होता है कि हम अपने किताबें जो होती है वो कागजों पे भी प्रिंट होती है। जब उनको ये बताया जाता है, ये कहानी उनको समझाई जाती है, तो ये लोग तो इस कहानी के अंदर ये चल रहा होता है कि ये बहुत पुरानी जो एजुकेशन है और जो नई एजुकेशन है उसके बीच में बहुत भयंकर कंपैरिजन चल रहा होता है। जो टॉपिक डायरी जो लिखी गई है 17 मई 1857, उस समय तक सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाएगा है, सब कुछ कंप्यूटर से पढ़ने लग जाते हैं बच्चे। उन्हें ये किताबें क्या होती है, लिखित किताबें क्या होती है, बैगलेस स्कूलेज हो जाती है, तो उनको कुछ इस आइडिया ही नहीं रहता। जब वो लोग फिर से इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि पहले की जो एजुकेशन व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था थी, किस प्रकार की थी, तो वो कंप्यूटर को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं। क्या कंप्यूटर के अलावा भी कुछ ऐसा हो सकता है? इस पर बहस करते करते जब वो चले जाते हैं तो स्कूलों के बारे में उनको जानकारी होती है, तो वो स्कूल के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो देखो, अब हम देख रहे हैं कि एक कंप्यूटर और एक जो सामान्य अध्यापक है उसको लेकर के इन बच्चों के बीच में कन्वर्सेशन जो है वो चल रहा है। देखिए, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता, इतना ताकतवर नहीं हो सकता दिमाग से। श्योर ही हो, श्योर यानी निश्चित ही, हीज वह हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी उसी प्रकार से जानते हैं जिस प्रकार से मेरा अध्यापक या मेरा टीचर जानता है, जिस प्रकार से मेरा अध्यापक या मेरा टीचर जानता है। He knows at almost as much I beta. He knows almost as much I as beta. वह भी उसी प्रकार से जानता है जिस प्रकार से मैं अपने पिताजी पढ़ते हैं, जिस प्रकार से वो उनको ज्ञान है, जिस प्रकार से उनको जानकारी है। मार्जी wasn't prepared to dispute that. मार्जी इस बात को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहती, कोई बहस नहीं करना चाहती थी। She said I wouldn't want. She said, उसने कहा, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. एक अपरिचित व्यक्ति को, एक अनजान व्यक्ति को, एक स्ट्रेंज व्यक्ति को कैसे मैं अपने घर में सिखाने के लिए बुला सकती हूँ कि वो मुझे आएगा, कुछ सिखाएगा जिससे मैं जानती तक नहीं, जिससे मैं परिचित तक नहीं। तो वो कह रही है, सी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती, स्ट्रेंज, एक अपरिचित व्यक्ति, स्ट्रेंज मैन यानी अपरिचित व्यक्ति इन माई हाउस, मेरे घर आए टू टीच मी, और मुझे पढ़ाने के लिए। इससे तो अच्छा मैं कंप्यूटर से ही पढ़ लूंगी, कोई अपरिचित व्यक्ति मुझे घर पे आके पढ़ाए, इससे अच्छा है कि मैं कंप्यूटर से ही पढ़ लूंगी, कंप्यूटर टीचर से ही पढ़ लूंगी, यानी जो रोबोटिक टीचर होते हैं, रोबोट की तरह होते हैं। हाउस, तो इस लाइन में क्या कहा गया है, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कि एक व्यक्ति जो होता है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित रूप से, श्योर ही, वह निश्चित रूप से हो सकता है। My father knows as much as my teacher. मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा कंप्यूटर का अध्यापक जानता है। ये बात किसने कही? मार्जी ने कही कि मेरा पिताजी यानी मेरा अध्यापक भी उतना ही जानता है जितना मेरा टीचर जानता है। And he knows almost as much as I beta. जितना हमारा कंप्यूटर जानता है, जितना हमारा रोबोटिक कंप्यूटर जानता, उतना वो भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेक्टा, यानी कंप्यूटर के बराबर ही वो जानते हैं। मार्जी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, वो उसके ऊपर कोई बहस नहीं करना चाहती थी।
शी सेड आई वुडंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. शी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती, ए स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी या एक अपरिचित व्यक्ति, इन माई हाउस टू टीच मी, मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाए. ये मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, वो हास्य से, स्क्रीम्ड यानी हास्य से, विथ लाफ्टर, हंसने लगता है. यानी टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, वह इस बात को लेकर के हंसने लगता है. यू डोंट नो मच मार्नी मार्जी, यू डोंट नो मच मार्जी, यू डोंट नो मच मार्जी, तुम इनके बारे में ज्यादा नहीं जानती हो, तुम इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हो, बहुत कम जानती हो, लिटिल जानती हो. द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, अध्यापक घरों में नहीं आते हैं, अध्यापक घरों में नहीं रहते हैं. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट दी देयर, कि वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, उनके पास एक स्पेशल भवन होता है, एक विशेष प्रकार का भवन होता है, और सारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं. क्या कर रही है, कि द टीचर्स डिडंट लिव इन हाउस, वो घरों में नहीं रहते. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष प्रकार का भवन होता है, एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहां जाते हैं. एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स, और सारे बच्चों को एक ही चीज, समान चीज पढ़ाई जाती है. एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स, क्या सारे बच्चों को समान चीज पढ़ाई जाती है? श्योर, निश्चित ही. इफ दे वर द सेम एज, यदि वो समान एज ग्रुप के हैं, समान आयु वर्ग के हैं. श्योर, निश्चित ही. इफ दे वर एज द सेम, सेम एज, यदि वो समान आयु वर्ग के हैं, समान उम्र के बच्चे हैं, तो उनको एक ही चीज पढ़ाई जाएगी. बट माई मदर सेज टीचर, परंतु माई मदर सेज, मेरी माता जी कहती है कि ये टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि एक अध्यापक एक लड़का और एक लड़की के दिमाग के अनुसार एडजस्ट करता है, व्यवस्थित करता है कि उसको क्या पढ़ना चाहिए, उसका लेवल कितना है, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको पढ़ाता है. एंड इट टीचेज एंड दैट ईच किड्स हैज टू बी ए टॉट बाय डिफरेंटली, इट टीचेज, वह पढ़ाता है, एंड दैट ईच किड्स, और प्रत्येक बच्चा जो है टॉट, सीखता है डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से. जब वो सबको सम्मान पढ़ाता है, सबको उनकी कैपेसिटी के अनुसार पढ़ाता है, तो सीखने का जो स्तर होता है, बच्चे जिस बात को सीख पाते हैं, वो भी बिल्कुल अलग अलग ही होती है. मतलब बातें जो सीखता है, उसका सीखने का जो स्तर होता है, वो अलग होता है. कोई जल्दी सीख लेता है, कोई फिर धीरे धीरे सीख पाता है. इस तरह से दैट इज किड्स, किड्स यानी बच्चे, हैज टू बी टॉट, हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, यानी वो अलग अलग तरीके से पढ़ाए जाते हैं. इज किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, उनको अलग अलग भी पढ़ाया जाता है, उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसकी योग्यता के अनुसार, वो कितना सीख पाते हैं उसके अनुसार. जस्ट द सेम, जस्ट द सेम, दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, उसी प्रकार से वो सम्मान तरीके से, दे डिडंट डू, ऐसा नहीं करते कि सेम सबको पढ़ा दिया. एंड दैट वे देन, जिसको जिस प्रकार से सीखना उसको उस प्रकार से सिखाते हैं. इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम उसे पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स, तो तुम उस किताबों को मत पढ़ो. यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स, तो तुम किताबों को मत पढ़ो. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती. आई डिडंट से, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आई डिडंट लाइक इट, कि मैं इसे पसंद नहीं करूंगी या मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ, ऐसा तो मैंने नहीं कहा. अब देखना, आई डिडंट लाइक इट. मार्जी सेड क्विकली शी वॉन्टेड टू रीड दीज फनी स्कूल्स. मार्जी ने बड़ी तत्परता के साथ कहा कि शी वॉन्टेड टू रीड दोज फनी स्कूल्स, वो इस प्रकार की फनी स्कूल्स में, आनंद प्रदान करने वाले विद्यालयों में पढ़ना चाहती है. अभी जो ये पैराग्राफ आपने देखा, दोबारा देखते हैं इसको. टॉमी स्क्रेम्ड विद लाफ्टर, वह उसके ऊपर हंसता है. यू डोंट नो मच, आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती मार्जी. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस,
अध्यापक है वो घरों में नहीं रहते हैं, दे हैड स्पेशल बिल्डिंग्स, उनके पास अपना विशेष भवन होता है, एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, समान वस्तुएं पढ़ते हैं, श्योर इफ दे वर द सेम एज, यदि वो समान आयु वर्ग के हैं, उनकी एज समान है, बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉयज एंड गर्ल, लेकिन मेरी माता जी कहती है कि एक अध्यापक बच्चे और बच्चियों के दिमाग के अनुसार एडजस्ट करता है, एंड टीचेज और पढ़ाता है, एंड दैट ईच किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से भी पढ़ा सकता है, उसको सिखाने का स्तर अलग भी हो सकता है, जस्ट द सेम और समान भी हो सकता है, दे डिडंट डू इट, वो ऐसा कर भी सकते हैं, दैट वे देन, यदि उनको लगता है, इफ यू डोंट लाइक इट, यदि आप इसे पसंद नहीं करते हो, यू डोंट हैव टू रीड बुक्स, तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं उसको पसंद नहीं करती, महारजी क्विक सेड क्विकली, उसने तत्परता के साथ कहा, शी वॉन्टेड टू रीड दी दोज फनी स्कूल्स, वो इस प्रकार के आनंद प्रदान करने वाले इस प्रकार के फनी स्कूल्स में पढ़ना चाहेगी, दे वरंट इवन हाफ फिनिश, आप उसको बीच में फिनिश नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, समाप्त नहीं कर सकते, वेल मार्जीज मदर कॉल्ड, इतने में मार्जी की मदर ने उसको बुलाया, मार्जीज स्कूल, मार्जीज स्कूल यानी मार्जी के स्कूल के बारे, मार्जी लुक अप नॉट येट ममा, कि आप मार्जी लुक्ड अप, देखो टाइम हो गया है, येट नॉट येट ममा, अभी नहीं, नाउ सेड मिसेज जॉन्स, तभी मिसेज जॉन्स ने कहा, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी का भी विद्यालय जाने का है, स्कूल जाने का टाइम है, हो गया है, मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं विद्यालय से वापस आने के बाद आपके साथ बैठ करके बहुत सारी किताबें जो हैं वो पढ़ सकती हूँ, मैं भी पढ़ सकते हो, सी सेड, उसने कहा, नॉनसेंटली यानी उसने बिना कोई विचार किए हुए कहा, एंड ही वॉक्ड अवे विस्लिंग एंड द डस्टी ओल्ड बुक, वह सीटी बजाते हुए पुरानी जो किताबें थी उसको टक्ट बीनीथ हिज आर्म, अपनी कांख में दबाए हुए वो चलने लगा है। इस प्रकार से ये चैप्टर जो चल रहा था, अब देखना आप इधर से दोबारा, जस्ट द सेम वे, उसी प्रकार से पढ़ाता है, डिडंट डू इट दैट वे देन, जिस प्रकार से वो चाहते हैं, इफ यू डोंट लाइक, यदि तुम इसे पसंद नहीं करते हो, इफ यू डोंट लाइक, इफ यू डोंट लाइक, यदि तुम इस बात को पसंद नहीं करते हो, तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आपको वो किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई डिडंट से, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आई डिडंट लाइक इट, और मैं ये भी नहीं कहा मैं इसको ना पसंद करती हूँ, कि आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती, मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती, मैं नहीं जाना चाहती, मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने बड़ी तत्परता के साथ कहा, जैसे उसने एकदम से तत्परता से उत्तर देना चाहा, सी वॉन्टेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती है, सी वॉन्टेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती है, दोज फनी स्कूल, यानी दोज यानी उन आनंददायक विद्यालयों में, यानी वह उन आनंद प्रदान करने वाले विद्यालय में पढ़ना चाहती है, जहाँ बच्चे और बच्चियाँ अपने घर से अलग इस विशेष प्रकार के भवन में विद्यालय में टीचर्स के पास पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वह भी उन विद्यालयों में अध्ययन करना चाहती है, दे वरंट इवन हाफ फिनिश, आप उन्हें बीच में फिनिश नहीं कर सकती, आप उनको बीच में गिव अप नहीं कर सकती, छोड़ नहीं सकती, वेन मार्जीज मदर कॉल्ड, इतने में मार्जी की माताजी ने बीच में उनको बुलाया, मार्जी लुक्ड अप, मार्जीज कॉल्ड मार्जी, तो उसकी माताजी ने उसको बुलाया, दे वरंट इवन हाफ फिनिश वेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी जीज स्कूल, कि कहाँ हो तुम, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया, मार्जी लुक टफ, देखती है, नॉट येट ममा, अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा वक्त बचा हुआ है, मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर द स्कूल, कि मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या कहा,
कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, द बुक्स सम मोर, जो और भी किताबें बची हुई है, विथ यू आफ्टर स्कूल, कि जब हम विद्यालय से वापस आएंगे तो कंप्यूटर बैठ करके उन स्कूल्स में से उन बुक्स को पढ़ सकती हूँ, मैं भी हो सकता है पढ़ सकती हूँ, ही सेड नॉनचेंटली, उसने बिना कुछ सोच विचार किए कह दिया, ही वॉक्ड अवे, वह आगे चलने लगता है, घूमने लगता है, निकल जाता है अपनी मौज अपनी मस्ती में विस्लिंग, और चलते चलते वो विशल बजा रहा है, सीटी बजा रहा है, गाने गा रहा है, द डस्टी ओल्ड बुक, एक पुरानी सी फटी सी और डस्ट सी किताब है उसके पास, एंड टक्ड द बीनीथ हिज आर्म, और उस बुक को वह अपनी आर्म में अपनी भुजाओं में या अपनी कांख में दबाते हुए चल रहा होता है, चल रहा होता है। मार्जी वेंट टू स्कूल रूम, अब उसके घर में जो कंप्यूटर क्लास का स्कूल का रूम बना हुआ था, स्टडी कक्ष बना हुआ था, तो मार्जी वेंट टू स्कूल रूम, अपने स्कूल के कमरे के अंदर, अपने घर के अंदर जो उसका स्कूल का कक्ष बना हुआ था, स्टडी कक्ष बना हुआ था, उसमें जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके जो शयन कक्ष था, बेडरूम था, उसके जस्ट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी उसके बेडरूम के आगे वाला जो रूम था वो उनकी स्टडी का रूम था, उनकी स्कूल का रूम था, उनके पढ़ने का रूम था, जहाँ कंप्यूटर यानी मैकेनिकल टीचर, रोबोट जो उसकी तैयारी की होती है, एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर से शिक्षक है या जो रोबोट है या कंप्यूटर जो है वो इसका इंतजार कर रहा होता है, द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर, वो उसका इंतजार कर रहा होता है, किसका इंतजार कर रहा होता है, जो मार्जी जो है उसने अपना टाइम सेट किया होता है कि सुबह 7 बजे से 8 बजे से हमें इसमें क्लास लेनी है, तो वो उस टाइम पे स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर और आपको उसके सामने जाकर के पढ़ना होता है, तो वो इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज और एट सेम टाइम, वो अपने सही समय पर, निर्धारित समय पर, जो समय उस पर सेट किया हुआ होता है उसके ऊपर ये स्टार्ट हो जाता है। एवरी डे, प्रतिदिन जैसे 7 बजे का अलार्म बजते हैं तो हर दिन 7 बजे अलार्म बजता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर पर यदि हमने क्लास का टाइम सेट कर दिया तो वो सेम टाइम पर उसी टाइम पर चलेगा। एवरी डे एक्सेप्ट, प्रतिदिन एक्सेप्ट सिवाय सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को क्या होता है, लीव होता है, उनका फ्री डे होता है, हॉलीडे होता है, खेलने का दिन होता है, इसलिए सैटरडे और संडे को नहीं चलता। दोबारा देखना पड़ेगा आपको, मार्जिन वेंट टू स्कूल रूम, मार्जिन अपने घर में बने हुए स्कूल का जो कक्ष था, स्टडी कक्ष था, पढ़ने का जो रूम था उसमें जाती है, एंड इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये उसके बेडरूम के बगल वाले कमरे में यानी बगल के में ही था, पास में ही था, यानी नेक्स्ट राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जहाँ वह सोती थी, जहाँ उसका शयन कक्ष था, उसके आगे वाला रूम जो था उसका स्टडी कक्ष था, पढ़ने वाला कक्ष था, एंड द मैकेनिकल टीचर अर्थात कंप्यूटर वो जो वन वेटिंग फॉर हर, वो उसका इंतजार कर रहा था, कि इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम, वो हमेशा निर्धारित समय पर, निश्चित समय पर अपने आप को स्टार्ट कर लेता था, एंड एवरी डे प्रतिदिन एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, यानी सैटरडे और संडे को छोड़कर वो हमेशा सारा कार्य है वो समय पर ही निर्धारित करता था। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसका एक पैराग्राफ जो बचा हुआ है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।